पिछले हफ्ते देश में तहलका मच गया था जब सरेआम और दिन दहाड़े नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर और फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी को गन पॉइंट पर सैटरडे यानी कि 12 अक्टूबर को रात में मार दिया गया था जब वे एक सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने गए थे। मामला और इंटेंस हो गया जब पता चला कि बाबा सिद्दीकी के साथ उनका बेटा जीशान सिद्दीकी भी टारगेट पे है। पर इस डेथ के अलावा शॉकिंगली बहुत चर्चा और किसी की नहीं बल्कि उसकी हो रही है जिसने इस मौत का इल्जाम अपने सर पर लिया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जिसने कि सारे लोगों में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है और वो भी तब जब वो पिछले कई समय से जेल के अंदर मौजूद है। इंडिया में डर के माहौल के अलावा ये डर की स्थिति कैनेडा में भी देखने को मिली है जिसकी वजह से आए दिन इंडिया और कैनेडा के रिश्ते में दरार पैदा हो गई है। और भला यूनियन गवर्नमेंट पर बिश्नोई को उल्टा प्रोटेक्ट करने का क्यों इल्जाम लगा है सब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर सामने आई तो वैसे ही सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो गया जहां बिश्नोई गैंग ने इस मौत का जिम्मा अपने सर ले लिया और कहा कि सलमान खान और दाऊद इब्राहिम को कोई भी सपोर्ट करेगा तो उसका यही हाल होगा। और जिसके बाद ये बात भी सामने आने लगी कि एनसीपी लीडर के संबंध एक्टर से बहुत अच्छे थे जिसमें सलमान खान का भी नाम शामिल था। हालांकि अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा कि भला ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट बिश्नोई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और ये ब्लेम कनाडा पुलिस ने इंडिया पर क्यों लगाया है। असल में कैनेडियन पुलिस हैव अक्यूज्ड द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ वर्किंग विद अ क्रिमिनल नेटवर्क रन बाय वन ऑफ इंडियाज मोस्ट नोटोरियस गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई टू कैरी आउट टारगेटेड किलिंग्स ऑफ डिसिडेंट्स इन कनाडा। ये इल्जाम इसलिए भी लगा है क्योंकि कैनेडियन पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो कि इंडिया के टॉप डिप्लोमेट संजय वर्मा को इन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जार अ सिख एक्टिविस्ट हु वाज गन डाउन लास्ट ईयर के केस में इम्प्लिकेट करता है। अब जहां इंडियन डिप्लोमेट्स ने इन सारी बातों को झूठ बताया है वहीं दूसरी ओर यूनियन द्वारा पास किए गए एक ऑर्डर रिलेटेड टू लॉरेंस बिश्नोई काफी चर्चा का विषय बन चुका है वो भी तब जब मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी की डेथ केस में लॉरेंस की कस्टडी चाहकर भी नहीं ले पा रही है और सिर्फ इस वजह से क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का एक ऑर्डर उनके लिए मुश्किल का कारण बन गया है। असल में लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल से गुजरात के साबरमती जेल में ट्रांसफर किया गया था अगस्त 2023 में इन कनेक्शन विद अ ड्रग्स स्मगलिंग केस और जिसके कुछ समय के बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड इशूड एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 268 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर स्टेटिंग दैट नो स्टेट और एजेंसी कैन सीक हिज कस्टडी फॉर अ ईयर। अब ये सेक्शन इसलिए भी इन्वोक किया गया था क्योंकि लॉरेंस बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस में शामिल है और ऐसे हाई प्रोफाइल अक्यूज्ड को बार बार ट्रांसफर करना सही नहीं रहेगा। द सेक्शन गिव्स द गवर्नमेंट द पावर टू बार द मूवमेंट ऑफ प्रिजनर्स व्हेन डूइंग सो कैन अफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। अब ये ऑर्डर था तो इस साल के अगस्त तक के लिए बट इसे एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और जिसकी वजह से ही कोई और स्टेट गवर्नमेंट बिश्नोई की कस्टडी नहीं ले सकती। ऐसे आपको बता दे कि द बिश्नोई गैंग मेड नेशनल हेडलाइंस आफ्टर क्लेमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर किलिंग पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला इन 2022। इट हैज ऑल्सो सेड इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फायरिंग आउटसाइड सलमान खान हाउस गैलेक्सी अपार्टमेंट्स इन बांद्रा इन अप्रैल। इस गैंग के ऑपरेशन इसके लीडर के जेल में रहने के बावजूद भी परफॉर्म हो रहे हैं तो लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस केस में और स्ट्रिक्ट एक्शंस क्यों नहीं लिए जा रहे। द गैंग हुज डे टू डे ऑपरेशंस आर नाउ रन प्राइमरली बाय बिश्नोई'स ब्रदर अनमोल एंड गैंगस्टर्स गोल्डी ब्रार एंड शोहित गोदारा हैज सेड इट वांट्स टू किल सलमान खान बिकॉज ऑफ हिज अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन शूटिंग ब्लैक बक्स एट बवाड़ इन मठेनिया नियर जोधपुर इन सेप्टेम्बर 1998 ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ हम साथ साथ है। इस एक्ट से बिश्नोई कम्युनिटी काफी नाराज दिखी थी जो कि ब्लैक बक्स को सीक्रेट मानते थे और लॉरेंस बिश्नोई ने एक कोर्ट अपीयरेंस के दौरान 2018 में कहा भी था कि वी विल किल सलमान खान इन जोधपुर एवरीवन विल नो वंस वी टेक एक्शन आई हैव नॉट डन एनीथिंग एज ऑफ नाउ दे आर अक्यूजिंग मी ऑफ क्राइम्स फॉर नो रीजन। इस गैंग के एक मेंबर को कस्टडी में भी लिया गया तो पता चला कि बाबा सिद्दीकी की डेथ के पीछे भी इनका ही हाथ है। लोंगकार क्लेम दैट सिद्दीकी हैड बीन किल्ड बिकॉज ही वाज लिंक्ड टू इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम वाज क्लोज टू सलमान खान एंड बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ अनुष थापन वन ऑफ द अरेस्टेड सस्पेक्ट्स इन द शूटिंग आउटसाइड मिस्टर खान्स हाउस इन पुलिस कस्टडी। पुलिस की जांच के बाद इस केस में तीनों शूटर्स के बारे में पता भी चला था जिसमें से गुरमील बलजीत सिंह 23 अ रेसिडेंट ऑफ हरियाणा और धर्मराज कश्यप जो कि यूपी का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया गया था लेकिन इसमें से द थर्ड शूटर शिव कुमार फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज स्टिल ऑन द रन और वही इस केस में पुलिस ने अब चौथे अक्यूज्ड को भी अरेस्ट कर लिया है। हरीश कुमार बालक्रम निषाद अ 26 ईयर ओल्ड रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू क्राइम ब्रांच कस्टडी अंटिल अक्टूबर 21। निषाद इज अ सस्पेक्ट इन द मर्डर ऑफ फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी व्हाइल गिविंग द ऑर्डर्स द कोर्ट नोटेड द सीरियसनेस ऑफ द केस एंड द नीड फॉर कस्टोडियल इंट्रोगेशन। इसी के साथ एक नजर लॉरेंस बिश्नोई के कुछ वायरल क्लिप्स पर डाल लेते हैं। भगत सिंह जी के टी शर्टे पहनते थे सर, पुलिस वालों ने पहनना बंद करवा दिया जी, तारीख में पहन नहीं देते थे।
और कोई मैंने देखा नहीं कोई बड़े आदमी पहनते हो टी शर्ट। हम पहनते थे सारे, हमारे सारी गैंग ही पहनती थी सर पहले। फिर हमें उतरवाने लग गए सर, तारीख पे जाते थे वहां पहनने नहीं देते थे, अच्छा बुरा बोलते थे। हमने क्या करें सर, जेल में पहनते हैं बाहर नहीं पहन के जाते जी। बाकी अपराध की बात ऐसे है सर कि भाई सराउंडिंग्स आए, विचार शुरू शुरू में ऐसे बन गए कि भी कोई लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं सर स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं उस केस में अंदर गए थे सर। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। यूं खड़ा मुकतल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें कोई रोको न आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहां मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जा थैली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी भी खुद अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जनू, तूफानों से क्या लड़े जो कश्ती साहिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इस मामले में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।